सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ कुछ बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डिंग्स अपडेट। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, पहली जो अपडेट है वो है आंड्रे ड्यू की तरफ से। परसों ही आंड्रे ड्यू का फिजिक चेक इन हुआ था उनके कोच हैनी रैम्बोर्ट के साथ, और आंड्रे ड्यू ने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत ही जल्दी एक प्रोशो खेलने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हैनी रैम्बोर्ट ने ये पोस्ट डाला है अपनी इंस्टाग्राम पेज में, जिसमें आंड्रे ड्यू अपनी फिजिक चेक इन करते हुए दिख रहे हैं उनके साथ। और गाइस, इसी पोस्ट के नीचे हैनी रैम्बोर्ट ने लिखा है 14 वीक्स आउट। इससे साफ होता है कि आंड्रे ड्यू बहुत ही जल्दी एक नया प्रो शो खेलने वाले हैं, जिसमें वो अपनी ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए कम्पीट करते हुए दिखेंगे। गाइस, अभी आंड्रे ड्यू 14 वीक्स आउट है, लेकिन वो कौन सा प्रो शो खेलेंगे वो अभी उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन आई थिंक वो जल्द ही बता देंगे, और जैसे ही वो ऐलान करेंगे तभी फटाफट मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में उन्होंने बहुत ही अच्छा इम्प्रूव किया है अपनी अपर चेस्ट की एरिया में, और ओवरऑल बहुत ही अच्छा मसल मास गेन किया है ड्यूरिंग हिज ऑफ सीजन। अभी उनका ऑफ सीजन खत्म होने को है एंड वो शायद बहुत ही जल्द US लौटेंगे एंड अपनी कोच हैनी रैम्बोर्ट के साथ टीम अप करेंगे एंड अपना प्रेप स्टार्ट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर आंड्रे ड्यू एंड हिज अपकमिंग शोज। गाइस, सेकेंड नंबर पर जो अपडेट है वो है सैडिक हेज्जोविक का फिजिक अपडेट। सैडिक हेज्जोविक फिर से मेंस फिजिक में कमबैक कर रहे हैं इस साल, और उन्होंने दो दो प्रो शो खेलने का ऐलान किया है, जो कि है पिट्सबर्ग प्रो एंड न्यूयॉर्क प्रो, जहां पे वो अपनी ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए कम्पीट करते हुए दिखेंगे। सैडिक की अगर ओवरऑल फिजिक की बात करें तो उनकी चेस्ट शोल्डर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, पूरी तरह से एकदम कंडीशनड है, एंड मिड सेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है गाइस। और उनकी अगर आप ऑब्लिक्स की पार्ट देखें इस वीडियो के अंदर, वो पूरी तरह से डोमिनेंट पार्ट है उनकी पूरी फिजिक में। और गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि सैडिक जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट मेंस फिजिक कंपिटिटर्स में से एक है, एंड उसके बाद उन्होंने क्लासिक फिजिक डिवीजन में स्विच किया था, लेकिन उन्होंने अभी फिर से डिसाइड किया है कि वो फिर से मेंस फिजिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे। और उनके पास पोटेंशियल भी है गाइस, वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर्स में से उनको गिना जाता है। देखते हैं कि वो क्या पैकेज डिस्प्ले करेंगे ऑन द स्टेज, क्योंकि अगर वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए देन इस बार की ओलंपिया देखने में बहुत ही मजा आएगा गाइस। नाउ नंबर थ्री पर जो अपडेट आ रहा है वो है जेरेमी पॉटविन की तरफ से। गाइस, जेरेमी पॉटविन भी वन ऑफ द फर्स्ट मेंस फिजिक ओलंपिया कॉम्पिटिटर्स में से एक है, जो फिर से कमबैक कर रहे हैं मेंस फिजिक डिवीजन में। फिलहाल जेरेमी पॉटविन ने भी क्लासिक फिजिक डिवीजन में स्विच किया था, लेकिन उनकी लेग्स में मसल मास कम होने के कारण वो फिर से मेंस फिजिक में कम बैक कर रहे हैं। गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि जेरेमी पॉटविन भी पिट्सबर्ग प्रो एंड न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करेंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद ये बात तय हो चुकी है कि सैडिक हेज्जोविक और जेरेमी पॉटविन के बीच नेक टू नेक कंपटीशन होगा, और इन्हीं दोनों में से कोई एक जीतेगा और अपनी क्वालिफिकेशन सिक्योर करेगा मिस्टर ओलंपिया के लिए। गाइस, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये दोनों शो, कमेंट डाउन करो, जेरेमी या फिर सैडिक हेज्जोविक। मुझे पर्सनली लगता है कि जेरेमी जीतेंगे ये शो और सैडिक सेकंड आएंगे। गाइस, नंबर फोर पे जो अपडेट आ रहा है वो है इंडिया की शान भुवन चौहान की तरफ से। भुवन चौहान ने अपनी फिजिक अपडेट डाला है उनकी इंस्टाग्राम पेज में, और फिजिक की बात करें तो मुझे पर्सनली लगता है कि उनकी चेस्ट थोड़ी सी वीक है, बट अगर बाकी बॉडी पार्ट्स की बात करूँ तो मतलब उनकी फिजिक बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है ऑफ सीजन में होने के बावजूद। स्पेशली अगर उनकी बैक की बात करूँ तो मतलब स्पीचलेस, लुक एट द बैक मैन, लुक एट द बैक। हम सबको पता है कि भुवन चौहान एक बैक डोमिनेंट एथलीट है, लेकिन इस ऑफ सीजन में उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है वो मतलब नेक्स्ट लेवल इम्प्रूवमेंट है। और भुवन चौहान ने खुद ये कहा है कि वो इस बार की ओलंपिया में बहुत ही बड़ा कुछ करने वाले हैं, और उनका इस बार का टारगेट है टॉप 10 को क्रैक करना, और अगर वो टॉप 10 क्रैक कर लेते हैं देन ये उनके लिए और इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी गाइस। तो ऑल द बेस्ट फॉर भुवन चौहान, और वो इस बार आई थिंक टोरंटो प्रो शो भी खेलेंगे जो कि जून में होने वाला। तो भुवन चौहान अभी अपना ऑफ सीजन कंटिन्यू रखेंगे और कुछ दिनों तक,
और अभी उनका जो करेंट बॉडी वेट है वो है 240 पाउंड। तो क्लियरली उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मसल मास गेन किया है उनके ओवरऑल फिजिक के अंदर। तो ऑल द बेस्ट फॉर भुवन चौहान। और गाइस एक बात आपको बता दूं कि भुवन चौहान ऑलरेडी ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड है। उन्होंने वैनकूवर प्रो शो खेला था पिछले साल, जिसमें उन्होंने अपना फर्स्ट प्लेसिंग हासिल किया था, जिसके वजह से वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर भुवन चौहान एंड हिज अपकमिंग प्रो शोज। तो गाइस ये थे कुछ बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डिंग से जुड़े अपडेट्स। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको हिट करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग से जुड़े अपडेट के लिए मेरे चैनल को देखते रहे। एंड तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड पीस।